हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट देव आर्ट पर। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज मैं ड्राइंग करने वाला नहीं हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं अपनी जो भी ड्राइंग बनाता हूं उनमें कौन कौन सी टूल्स यूज़ करता हूं, कौन कौन सी सामान यूज़ होते हैं उनको मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि एक नॉलेजेबल वीडियो है, एक बेसिक वीडियो है। आपको जब भी ड्राइंग शुरू करना है इन सभी मटेरियल्स का पहले यूज़ होना, इन मटेरियल्स का पहले उपलब्ध होना ज़रूरी है। कुछ मटेरियल्स, ड्राइंग तो आप एक नॉर्मल पेंसिल से भी बना सकते हो, वो भी एक आर्ट ही है, बट मैं रियलिज्म की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक रियलिज्म लवर हूँ, मुझे एक रियलिज्म आर्ट पसंद है। मैं रियलिज्म की तरफ जाता हूँ, मुझे एक रियलिस्टिक ड्राइंग पसंद है। मैं अपनी ड्राइंग में रियलिस्टिक लाने की कोशिश करता हूँ, मुझे एब्स्ट्रैक्ट उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, चलेंगे धीरे धीरे, बट लेकिन मुझे स्टार्टिंग में भी रियलिस्टिक अच्छा लगता है। तो मैं रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए कौन कौन सी अपनी मटेरियल्स यूज़ होंगे उनको मैं बताऊंगा। तो गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो और ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो हर सुबह 7:30 बजे लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेंसिल के बारे में। तो मैं अभी, मेरा भी स्टार्टिंग है, मैं अभी स्टार्टिंग बेस में हूँ, मैं भी एक बिगिनर हूँ, मुझे भी उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आ रहा, मैं सीखते जा रहा हूँ और आप लोगों को भी बताते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने ड्राइंग के लिए यूज़ करता हूँ ये आर्ट लाइन की पेंसिल। आर्ट लाइन की पेंसिल आपको अमेजोन से मिल जाएगा। लव आर्ट स्केच पेंसिल आर्ट लाइन के नाम से मिलेगा। इनकी अलग अलग ग्रेड्स की पेंसिल आती हैं, HB 2B 2H ऐसे टाइप का आता है इसका, 10B तक का इसका आता है, डार्केस्ट लास्ट इसका 10B आता है। और देखेंगे आगे और चल के और पेंसिल का यूज़ करेंगे, लेकिन मैं अभी अपनी फ़िलहाल अपनी ड्राइंग में ये वाली पेंसिल यूज़ करता हूँ। उसके बाद है गाइस, यह है चारकोल पेंसिल। इसका यूज़ पहले के ड्राइंग में ज़्यादा करता था, अभी बहुत ही कम यूज़ करता हूँ मैं इसका। इससे क्या होता है कि ये ड्राइंग में डार्क, जैसे कि हेयर्स होते हैं, आईज़ होते हैं, उनमें अच्छा काम आता है। इसमें बहुत ही अच्छी सी डार्क हो जाती है हमारे जो भी एरियाज़ होते हैं, और ये शाइनी भी नहीं करता है। बट इसकी एक प्रॉब्लम होती है कि इसको अब एक बार लग गया तो ये मिटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं इनका यूज़ नहीं करता हूँ। अगर इसको आप मिटाने जाओगे तो ठीक से मिट नहीं पाता है, तो ये इनका एक प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए इनका यूज़ नहीं करता हूँ। मैं ज़्यादा डार्क करने के लिए आर्ट लाइन की 10B पेंसिल का यूज़ करता हूँ। उसके बाद है गाइज, ये है हाईलाइट के लिए अपन लोग जेल पेन का यूज़ करते हैं। मैं हाईलाइट के लिए, जैसे कि कोई ज्वेलरी हो गया या तो फिर और कुछ हो गया, तो उसके लिए वाइट एरियाज देने के लिए, जैसे कि आईज़ में वाइट स्पॉट होते हैं आईज़ के सेंटर में, तो उनके लिए मैं इनका यूज़ करता हूँ, वाइट जेल पेन का। और गाइस, उसके बाद बात आती है ब्लेंडिंग की। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ अपनी ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ये ब्लेंडिंग स्टम्प है, इनको ब्लेंडिंग स्टम्प बोलते हैं। ये भी अलग अलग साइज़ में आता है, 5 से 6 साइज़ में आती हैं। ये बड़ा साइज है, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे बड़ा, ऐसा टाइप का और भी आता है। ये देखो, ये 6 नंबर का है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग साइज़ में आती है। उसके बाद और ब्लेंडिंग के लिए मैं ये ब्रश का यूज़ कर लेता हूँ छोटे एरियाज के लिए। और सबसे बढ़िया ब्लेंडिंग टूल्स मुझे लगती है कॉटन, आप कॉटन बर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मैं अपनी ड्राइंग में ब्लेंडिंग करने के लिए बड़े एरिया को कॉटन का यूज़ करता हूँ। इस तरह से कॉटन के लेते हैं और कर सकते हैं। उसके बाद है गाइस, यदि हमारे कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसको मिटाने के लिए सबसे पहले, सबसे छोटा इरेजर है, मैकेनिकल इरेजर, जो कि बहुत ही काम की है। ये सबसे छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा काम यही आती है हमारी रियलिस्टिक ड्राइंग में, छोटे छोटे एरियाज़ को, हेयर्स को,
हेयर्स को हाईलाइट देने के लिए और आँखों में हाईलाइट देने के लिए और वाइट स्पॉट को देने के लिए बहुत ही अच्छी काम आती है। उनसे बड़े जगह को इरेज करने के लिए मैं ये बड़ा वाला इरेजर यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस और इरेज करने के लिए ये अप्सरा की नॉर्मल इरेजर हो है उसको यूज़ कर लेता हूँ। और गाइस ये बहुत ही बड़ी काम की चीज़ है, ये है नीडेड इरेजर। इसको आप किसी भी शेप में यूज़ कर सकते हैं, छोटा करके बड़ा करके यूज़ कर सकते हैं आप, इसको किसी भी साइज में ले सकते हैं। बहुत छोटे से छोटे जगह को आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप इसको किसी भी साइज में ले सकते हैं। और ये अपने ड्राइंग पेपर को क्लीन रखने के लिए बहुत ही अच्छा काम आता है। मैं इसको अपने ड्राइंग को क्लीन करने के लिए इसी का यूज़ करता हूँ। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेज लगी होगी, नॉलेज आपको मिली होगी, कुछ जानकारी मिली होंगी ड्राइंग के बारे में। यदि आप भी ड्राइंग स्टार्ट करना चाहते हैं और मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी या आपको कुछ जानकारी मिली या आपको कुछ सीखने मिली और किस चीज़ पर आपको जानकारी चाहिए तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।